यहाँ पे सभी कॉइन का कलेक्शन है. इफ यू वांट टू परचेज आप यहाँ से परचेज कर सकते हो. ये सभी डॉल्स आप देख रहे हो ये सब सिर्फ रशिया में मिलती है और इसको बोलते हैं मातिरुस्का. एंजल एंड डेविल आर टॉकिंग देखो. और निजी नोगर नेम रखा तो उससे पहले उसका नाम था गोरकी और गोरकी एक राइटर है रशिया का. हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में. तो अभी मैं हूँ निजनी नोगोड में और आज मेरा आई थिंक फर्स्ट डे है यहाँ पर और अभी मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकली हूँ. बट सबसे पहले हम जाएंगे स्टलोवाया जो यहाँ पे बहुत ही फेमस फूड के लिए प्लेस होती है जो बुफे टाइप आपको वहाँ पे मिल जाता है. आपको जो भी खाना है वो सब आप खा सकते हो वेट के ऊपर करके. जो मैंने अगले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया कि कहाँ पर आप खा सकते हो वेज फूड एंड नॉन वेज फूड दोनों अच्छा. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं आपको इजीली मिल जाएगी बट जो चीप प्लेसेस है वो आपको बहुत ही कम मिलेगी. सो वो एक्सप्लेन के वहाँ पे जाएंगे उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो आपको टाइम टू टाइम ट्रैवल के अपडेट मिलते रहे. तो अभी हम यहाँ पे आए और यहाँ पे 290 में आपको कॉम्बो मिल जाता है. इसे बोलते और बोल सकता हूँ उसे. Salienta, it's a soup with तो अभी ये सब कुछ मैंने लिया है यहाँ पर. अभी बिलिंग करवा रहा है तो अभी वहाँ पर माइक्रोवेव भी होता है वहाँ से खाना लेके यहाँ पर माइक्रोवेव में भी आप रख सकते हो. लेट मी टेल यू अबाउट द निजनी नोगोर. सो निजनी नोगोर है उसके नेम का मीनिंग है निजनी मीन्स टाउन एंड नोगोर मीन्स न्यू मतलब न्यू सिटी जो नीचे की तरफ में बना है ऐसा इसका मीनिंग है नेम का. और ये निजनी नोगोर है वो दो मेन रिवर्स है रशिया में उसके सेंटर में है लाइक वोल्गा रिवर एंड ओका रिवर वो दोनों ये निजनी नोगोर से पास होती है. और यहाँ पे ये बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था फॉर टी लाइक जो भी चाइना से और दूसरे दूसरे कंट्री से टी मंगाते थे वो सबसे पहले यहाँ पे आती थी और फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे सिटीज में. और निजनी नोगोर नेम रखा तो उससे पहले उसका नाम था गोरकी और गोरकी एक राइटर है रशिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस और उसके नाम से इसका नाम रखा था गोरकी सिटी. और मतलब आप बोलोगे ना तो सोवियत यूनियन में जो सभी यहाँ पे सिटीज बनाया है तो उसमें सभी के नाम जो पॉलिटिकल लीडर है ना उसके नाम से बनाए थे बट ये ही एक पहला सिटी था जिसका नाम राइटर के नेम से रखा गया था. सो एक यूनिक सिटी है ये. और यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा लाइक आर्ट मिलेगा म्यूजियम मिलेगा और यहाँ पे केबल कार राइड कर सकते हो बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए. वो मैं आपको अभी आज के दिन में दिखाती हूँ क्या क्या मैं जहाँ पर जाती हूँ वो सब. निजनी नोगोर में दो मेन ब्रदर्स है वो उसका बॉर्न हुआ था मीन एंड पजरस्काई और वो दोनों ब्रदर्स ने जब वॉर हो रही थी पोलैंड के साथ तब रशियन आर्मी को हेल्प किया था जीतने में का मोनूमेंट यहाँ पे वो निजनी नोगोर में वो रखना चाहते थे बट सभी ने बोला कि अगर मॉस्को में रखेंगे तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादा देखने वाले आएंगे और उसको ज़्यादा पहचानेंगे. तो अभी वो जो सेंट बेजिल कैथेड्रल है ना उसके पास में उसका मोनूमेंट रखा है. ये सभी डॉल्स आप देख रहे हो ये सब सिर्फ रशिया में मिलती है और इसको बोलते हैं मातिरुस्का. तो अगर आप आते हो रशिया तो ये एज अ सोवेनियर ये डोल को आप लेके जा सकते हो अप्रॉक्स 200 to 300 में आपको छोटी सी मिल जाएगी. यहाँ पर ये है कुछ बिस्किट टाइप का और उसके अंदर चॉकलेट होती है ऐसा कुछ है. बाहर से बिस्किट का लेयर होता है अंदर चॉकलेट होती है बट आप एज अ गिफ्ट दे सकते हो किसी को लेके जाना है तो लेके जा सकते हो. अप्रॉक्स 130 rubles to 220 rubles लिखा है और यहाँ पे छोटा भी मिल जाता है 90 rubles में. यहाँ पे सभी कॉइन का कलेक्शन है. इफ़ यू वांट टू परचेज आप यहाँ से परचेस कर सकते हो. ये सभी पुराने कोल्ड्स हैं 1942 1934 का सभी ये कोल्ड्स है. 1835 का कॉइन है ये 3914 में मिलता है ये सभी ये कॉइन्स और ये उससे भी पुराना है ये और ये इससे भी पुराना है 1787 साल का ये और ये प्राइस में मिल रहा है. मतलब सभी कॉइन्स यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं आपको अगर आपको कलेक्शन अच्छा लगता है कॉइन्स का तो. मतलब यार
कॉइन का कलेक्शन करो और आफ्टर फ्यू इयर्स यू कैन सेल. यहाँ पे सभी नोट्स है. हाउ मच दे आर सेलिंग फॉर? कितने में बेच रहे हैं ये नोट? Сколько стоит это? В районе 200 рублей такая. 100 рублей? 200. 200. Плюс-минус там, да. Вот там год надо мне сейчас смотреть, а он не дороже 300. Мы уску дунги, бохот сари нот, вы китне дайе муже? Он украин, скоро не будет. Аз, уску пучо, 500 ки хэ нот уске пас, уску пучо. У тебя есть 500... यहाँ पे इंडियन करेंसी नोट भी है और उसके 10 रुपए की नोट है, उसको वो 200 में सेल कर रहा है. तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी बैग में है इंडियन करेंसी नोट, अगर मैं उसको 50 वाली दूंगी तो वो मुझे कितने देंगे पैसे? प्राइस क्या बोला? नहीं है उसके पास. हाँ तो उसको पूछो कि अगर मैं देती हूँ उसको 50 वाली नोट तो वो मुझे कितने देंगे. बिकॉज व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई हैव इंडियन करेंसी इन माई बैग एंड मैं एज अ सोवेनियर सबको देती हूँ. लाइक मैं अगर किसी होस्ट की वहाँ पर रहती हूँ तो उसको मैं एज अ सोवेनियर देती हूँ. मेरे को 1000 देना ठीक है. यू आर नॉट माई होस्ट. यू आर नॉट माई होस्ट. मेरे को 1000 पिंक कलर का नोट दे दो. मैं भी तो मॉस्को से इंडियन को नहीं मिलेगा कुछ. अगर वो कभी इंडिया नहीं आया है ना वो बंदा, उसके बाद अभी ये वाले को भी मैं, मेरे पास है 50 की नोट तो उसको देने वाली हूँ क्योंकि उसके पास मैग्नेट भी नहीं है इंडिया का. अभी ये अलेक्सिस है. हाँ एंजल एंड डेविल आर टॉकिंग. देखो अभी तो मैंने एंजल एंड डेविल से मिल लिया. पेंटिंग एग्जीबिशन ऑन द वे. ये कल रात जो वॉकिंग स्ट्रीट पे आई थी ना वही वॉकिंग स्ट्रीट है. यहाँ पे अभी मॉर्निंग में पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है ऐसा, और पीछे वो गर्ल पेंटिंग कर रही है. अगर आप देख सको पीछे स्टडी इन यूनिवर्सिटी इन मॉस्को. हां एंड दे आर लाइक दे आर ट्राइंग टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम. क्लियर 6 सेकंड्स क्लियर दिस वन टू गेट स्कॉलरशिप फॉर द मॉस्को यूनिवर्सिटी. मॉस्को यूनिवर्सिटी. हां तो अभी अभी हमें ये बता रहा है कि रशिया में जो सभी स्टूडेंट्स है उसको, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, सभी लोगों को सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही सेटल होना है. सभी एरिया से आते हैं वहाँ पर. एंड व्हाट एल्स यू आर टेलिंग? यस स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड मॉस्को दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को टू गेट स्कॉलरशिप जस्ट टू स्टडी हियर. स्टडी हियर लाइक इन इंडिया वी हैव आईआईटी. यस पीपल आर ट्राइंग हार्ड टू गेट फ्रॉम आउटसाइड मॉस्को. Outside of Moscow, like other cities. Other cities, yeah. In what? The in Red Square. So it's a fort, yes. Right? Okay. Yes. Biggest fort? Yes. No, it's a square, right? Yeah. In Red Square, there is Kremlin. It's on the side. Yeah, वैसे भी के photos हैं जो army people हैं और yes. The citadel in Moscow. What? Yeah, so it's like an office where government works. No, it's like a residence area. Like, see, here is a residence. No, it's the symbol of government. Oh, this is office. Yeah. It's the symbol of something ministry. But if it's government, then why they are allowing us to enter and visit the area? Even it's something can... like fort, then no, they can allow us, right? It's not like that. If it's a government place, you can visit. Yes, of course you can go. Can't go inside this place. Let's say in Kremlin in Moscow, you can go inside, right? You can look. You can. But there is a place people works there. They have government thing. They have government works official. But also it's for tourists. So you can go there. Beautiful. See. Behind there is a river, right? पीछे वहाँ पर रिवर है. गुड प्लेसेस टू टेक पिक्चर्स इन दिस एरिया. ये वॉकिंग एरिया है. वी कैन वॉक इन दिस साइड आल्सो. वी कैन गो. आई थिंक वो चर्च है पीछे. तो ये है वोल्गा रिवर.
और आई थिंक नीचे है चर्च वहां पर, और ये पूरा है क्रेमलिन का एरिया। जस्ट वॉक कर सकते हो, बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। काफी खूबसूरत एरिया है, रियली लव इट एक्चुअली। और आज सनी डे है वापस, सो काफी अच्छा लग रहा है। ये जैकेट ऊपर रख सकती हूँ मैं अभी। ओ यहाँ पर है वोल्गा रिवर और उस तरफ है ओका रिवर, और ये पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ से दो रिवर मिलती है यहाँ से, और वहाँ पे ओका रिवर जाती है और यहाँ से इस तरफ वोल्गा रिवर जाती है। और वो और ये रिवर साइड वॉकिंग एरिया है, अगर आपको यहाँ से नीचे जाके वहाँ पे वॉक करना है तो आप वॉक कर सकते हो उस तरफ नीचे पूरा, और वॉक करके इस तरफ आप जाओगे तो वहाँ पर भी एक वॉकिंग स्ट्रीट है पीछे, और वहाँ से वो ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ एरिया में आप जा सकते हो ये एरिया में, और वहाँ पे एक सीतादल है, वो मैं आपको पहुँच के बताती हूँ फिर दिखाती हूँ। आई थिंक यस, और दिस इज द बिगेस्ट सिटी, लाइक मॉस्को फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड सेंट पीटर्सबर्ग आता है रशिया में, और ये थर्ड नंबर पे आता है। दिस टैंक इज यूज्ड द मोस्ट आई थिंक फॉर वन इट्स रियल और इट्स जस्ट अ स्टैच्यू or just for example, like it was something like this, it's not real, right? It's hard to find because I didn't see real time. It used in 1994 41 to 1945. I think it's used during war. Yeah. Tank T-34, ye tank hai, ye war mein bahut zyada use hua tha, jo 1941 to 1945 के बीच में जो वॉर के ड्यूरेशन में ये टैंक यूज हुआ था। लेट्स गो, इट्स रियल और नॉट? आई थिंक इट लुक्स लाइक अ रियल थिंग। यस इट्स रियल। तो अभी मैं न्यूज़वी नोगोर की सबसे ओल्ड मॉस्क है ना, वहां पर अभी आई हूँ, और अंदर ऐसा फुल ड्रेसअप हो के आना होता है, मतलब हेडसेट अभी तक फुल कवर्ड होने चाहिए। और ये यहाँ पे जो मेन होते हैं सभी, वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, और ये है किबला, और किबला पे यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते, जो मुल्ला साहब होते हैं ना उसके पीछे यहाँ पे सभी को नमाज़ पढ़नी होती है, और यहाँ पे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। अगर आप केबल कार के लिए आते हो तो केबल कार के बाहर साइड में ही ये मॉस्क है, तो अगर यहाँ पे ज़रूर आना विजिट करने के लिए। और अभी रमज़ान चल रहा है तो एवरी डे 5 times यहाँ पे प्रेयर भी होती है। और ऊपर वाला एरिया आप जो देख रहे हो ना, वो लेडीज़ के लिए एरिया है, वहाँ पे वो बैठती है और वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, और ये वाला एरिया है वो जेंट्स के लिए है, वो यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो अभी मैं अभिषेक से बात कर रही थी जो है स्टूडेंट मॉस्को से, सो उससे मैंने मुझे बताया कि अगर आप मॉस्को में किसी गर्ल से मैरिज करते हो और अगर आप डिवोर्स आपका हो जाता उसके साथ, तो आपको लाइफ टाइम के लिए उसको अपनी सैलरी में से कुछ परसेंटेज उसको देने होते हैं, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती, या फिर अगर वो शादी नहीं करती है तो आपको लाइफ टाइम ही उसको देने पड़ेंगे। मतलब अगर गर्ल डिवोर्स लेती है तो अगर वो खुद काम कर रही है तो उसको उसकी सैलरी तो मिलेगी, और हस्बैंड की सैलरी में से पैसे भी, मतलब यहाँ पे डिवोर्स मतलब चांदी चांदी है। और मॉस्को की गर्ल है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आप यहाँ आके उसकी वो गर्ल को पटाओगे ना, तो भाई अगर आपके जेब में कुछ ज़्यादा पैसा है ना तो ही करना, वरना मत करना। अगर आप दूसरे सिटीज़ में जाओगे और उसकी गर्ल को मतलब उससे शादी करते हो तो उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा जितना यहाँ की गर्ल एक्सपेंसिव है मॉस्को में। ये देखो क्या गजब का ब्यूटीफुल लग रहा है सिटी, जस्ट वाओ, रियल इट लुक्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम अदर साइड। अभी जो यहाँ पे अलेक्जेंडर दल है ना, यहाँ पे मैं आई हूँ, मतलब पूरा एक ब्रिज क्रॉस करके आना होता है। माय गॉड क्या गजब का लग रहा है पूरा सिटी।